दिल्ली कांग्रेस दफ्तर जो कि अकबर रोड पर स्थित है उसके बाहर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वही लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल टिकट का जो ऐलान होना है उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी में एक तरीके से कह सकते हैं सिर्फ फुटबॉल जो है शुरू हो गया है। दरअसल जो वेस्ट दिल्ली है वहां से जो ओलंपियन है सुशील कुमार उनके नाम जो है उनका नाम चल रहा है कि उनको टिकट दिया जा सकता है। तो ऐसे में जो पूर्व सांसद हैं महाबल मिश्रा उनके समर्थक अकबर रोड के दफ्तर के बाहर जुटे हैं प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्वांचल मोर्चा है दिल्ली में उसके अध्यक्ष हैं सिवनी सिंह। आप दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष हैं और आप महाबल जी के समर्थन में यहाँ पर आए हैं, क्या कहना है? देखिए हम महाबल मिश्रा जी के समर्थन में इसलिए आए हैं कि पूर्वांचल को अभी तक कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार कर रही है। आज जब एक आपको मालूम है कि 50% से ज़्यादा वोट पूर्वांचली है दिल्ली में और दिल्ली में एक भी सीट अगर पूर्वांचल को नहीं दिया जाएगा तो किस मुंह से हम लोग क्या लेकर के पब्लिक में जाएंगे कि आप लोग पूर्वांचल कांग्रेस को वोट दीजिए। हम लोग क्या बताएंगे सबसे कि आप लोग कांग्रेस को कैसे वोट देंगे? तो हाँ, आप भी जानते हैं दूसरे पार्टियों ने पूर्वांचल के लिए कोई अध्यक्ष बनाया है, कोई 20 सीट दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है और कांग्रेस पार्टी एक सीट दिया था उसको भी काट दिया कांग्रेस को। इसका मतलब पूर्वांचल की जरूरत नहीं है हम लोगों की, कांग्रेस को किसी भी पूर्वांचल की जरूरत नहीं है। तो हम लोग किस बात के लिए चेयरमैन रहेंगे या किस बात के लिए कोई नेता होगा जब पूर्वांचल का सम्मान ही नहीं मिलेगा? अगर मान लीजिए अगर टिकट ऐसे में नहीं होता है तब आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया होगी? अगर टिकट पे उसके बाद हम पूर्वांचल कांग्रेस के लोग या जो भी पूर्वांचल के हमारे जो भी पब्लिक है वो सोचेगी, जो बात करेंगे उस पर हम लोग अमल करेंगे। देखिए महाबल मिश्रा जी कांग्रेस के जमीनी नेता हैं। अगर पूर्वांचल की बात करें तो कांग्रेस में एकमात्र पूर्वांचल नेता ऐसे हैं जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया है। पैरासूट नेता हमें नहीं चाहिए। सुशील पहलवान जो कि पूरे क्षेत्र में कहीं भी नजर नहीं आए, आज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टार होने की वजह से अगर वो आज उनको टिकट दिया जा रहा है और हमारे जमीनी नेता जो पूर्वांचल के एकमात्र आन बान शान है दिल्ली में उनको अगर कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है तो ये पूर्वांचल की अवहेलना है। अगर मैं बात करूँ आम आदमी पार्टी की, अगर मैं बात करूँ बीजेपी की, तो उसमें पूर्वांचलियों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मनोज तिवारी जी को देख लो, बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उनको टिकट दिया जा रहा है। गोपाल राय जी को देख लो, आम आदमी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष है, ये भी पूर्वांचल के, परंतु कांग्रेस में ही पूर्वांचल की ऐसी स्थिति क्यों है? ये सिर्फ एकमात्र टिकट के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। बैनर पोस्टर है कि पूर्वांचल की अवहेलना नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पूर्वांचल का सम्मान नहीं तो कांग्रेस को वोट नहीं, इस तरीके के बैनर। 5 साल महाबल मिश्रा जी 5 साल संसद ना रहते हुए अभी लोगों के सुख दुख में गए, हर कार्यकर्ता के घर में गए, सभी लोग यहाँ पर अकबर रोड पर इकट्ठा हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि महाबल मिश्रा का टिकट कांग्रेस पार्टी को नहीं काटना चाहिए।